मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। इंदौर पहुंचकर मुख्य सचिव ने किया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना अलिकदर मुफद्दल सैफुद्दीन से करेंगे पीएम मुलाकात। इंदौर में वाज फरमाने पहुंचे हैं सैयदना साहब। देश दुनिया के 2 लाख से ज्यादा बोहरा समाज के श्रद्धालु लेंगे वाज का लाभ। भोपाल में विदेश मंत्रालय की स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का 24 सितंबर को होगा आयोजन। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के संबंध में की बैठक। पासपोर्ट सेवा, प्रवासियों के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण और प्रवासी भारतीयों के हित संरक्षण जैसे विषयों पर होगी कॉन्फ्रेंस में चर्चा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन निर्माण का किया शुभारंभ। 20 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनेगा प्रशासनिक भवन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने मतदाता जागरूकता गतिविधियों का कैलेंडर और विधानसभा निर्वाचन का स्टेट लोगो किया जारी। 27 सितंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। राजधानी में सुशासन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों ने उनके प्रदेशों में दी जा रही नागरिक सेवाओं की दी जानकारी। ग्रामीण स्तर तक शिक्षा एवं कृषि विकास के लिए प्रोजेक्ट बनाकर काम करने की जरूरत पर वक्ताओं ने दिया जोर। रेरा एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में हुए कार्यों के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की राज्य की सराहना। रेरा चैलेंज और अवसर विषय पर पुणे में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में की तारीफ। प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने राजमाता विजया राजे सिंधिया महिला हॉकी टूर्नामेंट का राजधानी में किया शुभारंभ। देशभर की 12 महिला हॉकी टीमें ले रही हैं स्पर्धा में हिस्सा। पहले दिन मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, सोनीपत इंडियन रेलवे और भारत ओमान रिफाइनरी बीना ने जीते अपने अपने मैच। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने माध्यमिक शिक्षा मंडल कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। हाल ही में संपन्न हुए थे कर्मचारी संघ के चुनाव। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के टीटी नगर स्थित एक स्कूल में स्कूली बच्चों को किया यूनिफॉर्म और ट्रैक सूट का वितरण। विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और संबल योजना की दी जानकारी। खंडवा में मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण की सोमवार को हुई शुरुआत। जिले के 700 से ज्यादा गांवों में मिशन इंद्रधनुष के तहत किया जाएगा 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। 10 गंभीर बीमारियों से बचने लगाए जाएंगे 9 तरह के टीके। राजधानी में एप्को द्वारा 3 दिवसीय मिट्टी की गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा निर्माण में प्रतिभागियों ने दिखाया उत्साह। कुशल मूर्तिकारों के निर्देशन में सीख रहे प्रतिमा निर्माण की विधि। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने राजधानी स्थित अपने विधानसभा क्षेत्र में किया विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। स्थानीय रहवासियों को दी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की अधिसूचना जारी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की अधिसूचना जारी। 25 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 29 दिसंबर से की जाएंगी परीक्षाएं आयोजित। और ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत मुश्किल में। अंतिम दिन जीत के लिए बनाने होंगे 406 रन। भारत के सिर्फ 7 विकेट बाकी। एलिस्टर कुक ने करियर के अंतिम क्रिकेट टेस्ट में जमाया शानदार शतक।